दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। कल हमने क्या बताया था और क्या रहा और आने वाले कल के लिए क्या होगा। तो इससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लोगों उसमें डालते रहते हो। ये फोन नंबर है 8837879167, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है सभी को। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 16 फरवरी के लिए क्या होगा और उससे पहले 15 फरवरी। देखो कल क्लियर बताया था और अगर आप वीडियो को एक बार फिर देखोगे ना, मैंने बहुत जोर दे के बोला था आवाज में, तीन तेजी दो मंदी, ठीक है। मैंने बोला था मार्केट तेजी की तरफ ही रहेगा और जहां कहीं डिप मिल जाता है वहां खरीदना, ठीक है। तो मार्केट जब एक साइड क्लियरिटी मिल रही है कि भाई ऊपर के लिए, अब तुम लोग बोलोगे ये तेजी मंदी के दो योग थे तो मंदी क्यों नहीं हुई। दो तीन बार मार्केट आया, 50-40 मार्केट कभी भी एक सीध में नहीं चलता और जो ये योग बनते हैं ये भी किसी किसी दिन होता है, नहीं तो एक साइड कभी नहीं बनते, ठीक है। तो तुम्हारे को क्या बोला था, तेजी में रहना, बाइंग में रहना। अब अगर सिर्फ इतना ही बात रखो ध्यान, उस दिन पुट मत खरीदो। अब जैसे प्रीमियम पे काफी बंदे, अब ऐसा था कि फ्राइडे को मैंने प्रीमियम में अपने में बोला था उनको कि आप लोग अगले दो तीन दिन मार्केट ऊपर की तरफ है, पुट वगैरह में मत रहना, फरवरी की पुट मत रखो, महीने की और वीकली भी मत रखो। अगर किसी के पास मार्च की पड़ी है तो ठीक है, और 500 चला गया एवरेज कर देंगे, वो आ जाएगी रेट पर, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बोला था मैंने। और कॉल आप लेके जा सकते हो। आज भी प्रीमियम में क्या होता है, ट्रेड के लिए ट्रेड बन नहीं रही है, वो नीचे आता है 2-4 पॉइंट मिलेंगे। मैं बोला ठीक है, मैं जब एक बार हल्का सा नीचे आया मैं पुट खरीदवा दी, फिर 6 रुपए माइनस पर निकलवा दी, ठीक है। तो आप देखोगे जब मार्केट ऊपर का बनना है तो नीचे नहीं हम काम कर सकते। जो आदमी पुट खरीदेगा फंसेगा। हम लोग जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं मार्केट में कि भाई नीचे आएगा और हम पुट खरीदेंगे। देखो अभी मार्केट आपका यहाँ खड़ा है 15,310 पे शायद बंद हुआ है। तो जैसे मैंने सुबह, मैं सुनवा नहीं रहा वीडियो, फिर लंबा होता है, ऐड आते हैं, मैं सोचता हूँ 5-7 मिनट में खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मैं सुबह आपको बता दिया था। जब कहीं इसको तोड़ के ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर जा सकता है ना, 100-200 पॉइंट। अब ये जब तक टूट नहीं रहा या इसके ऊपर जाके, कल मान लो ऊपर खोल दिया और यहाँ पे बंद कर दिया, मतलब तो यहां तक ही लाए उसको मार्केट को 340 पे, जैसे आज था मार्केट कई दिन से जो है 157 और इसका और 257 है एक रेजिस्टेंस। तो आपको अभी इस टाइम में देखो, एक 250 हो गया, 150 हो गया, 15,000 हो गया, तीन हो गए ना अभी। तो जब तक कहीं नीचे की तरफ नहीं तोड़ रहा, तो जब तक जिसके पास पुट है उसका भी एवरेज बेशक मत करो, है ना, और जिसके पास में फ्यूचर है वो भी मत करो। मतलब तो एक स्टेप तो तोड़ने दो ना, थोड़ा सा संतोष करो। तो जब ये कुछ होता है उसके बाद आप लोग अपना एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक। इसके बाद हमने बोला था कि जब 15,350 पे जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, पुट खरीदना है। और क्या बोला कि 37,000 पे जाता है तो क्या करना है, पुट खरीदना है। मार्केट कहाँ बंद हुआ है, 37,300 पे। अगर मान लो किसी ने मार्च की पुट खरीद ली है, एक इसकी भी एक खरीद ली, तो मेरा सिद्धांत कल भी लिख के बता रहा था, 4 पार्ट में खरीद लो। फिर यहां से ऊपर जाता है कैसे ही, 600 चला जाता है, 800 जाता है, फिर एक ऐड कर दो, फिर 38,500 चला जाता है, फिर ऐड कर दो, फिर ऊपर जाता है, फिर कर दो। ये तो बनता है तरीका। अभी हम लोग बिना उसके तरीका के चलेंगे तो फिर मार्केट हमें लॉस देगा। मैं अपनी बात पे जो मैंने कल बोला था आज भी कायम हूं और सेम इसके लिए बोला। तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर वाला तो पहुंच चुका, ठीक है।
तो सेम बात है, आप लोग कोई आदमी थोड़े पैसा से तो होता नहीं है इसमें बैंक निफ्टी में, पर फिर भी चार लॉट का पैसा है तो आप लोग करके देख लेना। अभी पीछे पीछे किसी बंदे ने, मैं बोला था कि जब नीचे जाए तो आपको कॉल खरीदनी है, ऊपर जाता है तो पुट खरीदनी है, पर कोई बंदा खरीद के बैठ गया, वो तो रोज रिंग कर रहा है, आज भी सुबह रिंग आया। मैं बोला निफ्टी, बैंक निफ्टी का मूवमेंट जब तक 1000-2000 पॉइंट एक साइड नहीं आएगा, वो भी मार्च की, तुम क्यों चिंता कर रहा है। बोला ये बीच में नहीं प्रीमियम चला गया था, कि सर वो प्रीमियम चला, कोई चिंता मत कर। अब मान लो बैंक निफ्टी यहां से और ऊपर जाता है, देखो ऐसा है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को जो बड़े काम करने वाले हैं ना, जैसे FII हो गई या ये लोग हो गए, वो एक सेक्टर को खरीद लेते हैं। अब आज देखोगे बैंक के 6 शेयर और बजाज फाइनेंस के ये 8 शेयर के ऊपर मार्केट पूरा खड़ा था, उधर बैंक निफ्टी बढ़ गया 1300 पॉइंट और उधर वो बढ़ गया, ठीक है। तो तुम्हें मार्केट खुलते ही पहले उसका, अगर आप लोग देखोगे 50 शेयर में तो खुलते ही पता लग जाती है कि कौन सा सेक्टर चल रहा है आज, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी, अब हम बात कर रहे हैं कल की। तो मैं बोला 15 फरवरी को मार्केट में अप डाउन रह सकता है और मार्केट में तेजी ज्यादा रहेगी। अब ये जो चीज मैं बोलता हूं ना, ये मैं वीडियो बना चुका हूं, मेंबर जो जहां ज्वाइन बटन है उसके अंदर जो चीज मैंने बोली है एक वीक की एडवांस में, वो ही आज बोल रहा हूं। ये कोई भी मार्केट को देख के नहीं लाता कि भाई मार्केट में आज तेजी हो गई तो अभी मैं तेजी बोल रहा हूं, बात समझ रहे, ये नहीं बोलता, ये ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है। अगर जो ज्वाइन है वो मेरे को बता सकते हैं कि सेम मैंने लिखा हुआ है कि मार्केट में अप डाउन जरूर है लेकिन तेजी की साइड है, ठीक है। और आपको कल भी बताया था कि 18 को एक मंदी दिखती है मार्केट में, 18 से पहले 17 को भी हो सकता है कि मंदी आए, वो मैं बता दूंगा, है ना। तो जब तक मार्केट तेजी का है हम तेजी के साथ चल रहे हैं, जहां तुम्हें लग रहा है। अब जैसे जो देख लेते हैं कि भाई कल तेजी है ना, तो आप लोग कॉल खरीदो, नहीं है तो पुट को क्यों खरीदना है। फिर एक बात आती है, आप लोग पूछते हो कि ये टॉप कब बनेगा, टॉप कहाँ है। हमने क्या बोला था आप लोगों को, जब 250 पे गया, जब ही बोला था मैंने कि वहां बस यार टॉप बन गया, आज कहाँ बंद हुआ 350 पे। उसके सीधी सेकंड लाइन क्या बोली थी, उधर अमेरिका का पैकेज का चल रहा है तो 200-300 ऊपर जा सकता है, पर कोई आदमी जैसे बाइंग साइड में बैठ गया तो फिर वो फंसा रह जाएगा। तो मैंने ये सेम बोला, प्रोबेबिलिटी कहाँ की ज्यादा है, नीचे की साइड की इस लेवल पे, या जिसको बाइंग मत करो, शॉर्ट नहीं करना तो कोई बात नहीं, इंतजार कर लो। तो वहां से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया था, जहां बोला है आपको जिस वीडियो में, 250 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया है। तो आप लोग एकदम शॉर्ट साइड भी मत हो जाओ, अप साइड। अभी जब तक मार्केट एक मूवमेंट है उसका बुलिश का, कुछ दिन और बचे हैं। मैंने कल भी समझाया था कि 22 तारीख से कहीं हो सकता है थोड़ा सा डाउन साइड शुरू हो, तो जब तक बुलिश है बुलिश साइड में चलो, जब डाउन साइड शुरू हो जाए डाउन साइड में हो जाओ। तो मेरा मतलब यही है, दूसरा स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ और मंथली बोल रहा हूँ, और फरवरी वाले के लिए पहले मैंने कर दिया था। ये खासकर लागू होता है जो जॉब वगैरह करते हैं या मार्केट को देखते नहीं है। अब जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ आज भी वही बोल रहा हूँ, कोई करके देख लो। जब मार्केट बुलिश होता है ना, उस टाइम किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को सारी चीज मिल गई, तो थैंक यू, जय हिंद।